बताए मंत्री दुर्जन सिंह है। रानी साहिबा तुम अपने प्रश्न को मकबूल करिए, अगर ये दुर्जन सिंह तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया तो कसम है तेरे चरणों में अपना सर काट दूंगा। तो सुनो मेरा सवाल, मेरा सवाल दिलो दिमाग से सोच लेना मंत्री जी। क्या बात? अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो और रास्ते में किसी का मकान मिले, इस रास्ते से जा रहे हो रास्ते में कोई मकान में आग लगी हो, तो अगर उस मकान में आग लगी हो तो तुम्हारा कर्तव्य क्या होता है? साहिबा, अरे रानी साहिबा, अगर ये दुर्जन सिंह चुना कर रियासत में किसी भी रास्ते से जा रहा है, अगर किसी खेत या खलिहान में मकान और दुकान में अगर आग लगी हो तो इस दुर्जन सिंह का फर्ज बनता है रानी साहिबा कि मैं उस आग को बुझा दूं। अरे तो राजा मेरे दिल में आखिर महारानी जी आप क्यों मारपीट कर रही हैं? ये इसको लेकर कहां आया है? अरे महारानी जी आप ही ने तो कहा हमारे दिल में आग लगी है। अरे आराम जाते मेरे दिल में आग लगी है, दिल में हम समझी बिल में आग लाग है। अरे मंत्री जी मैं आपसे और कहूं जे दिल की बात, अरे मंत्री जी मैं आपसे और कहूं ये दिल की बात, अरे पति मेरा बूढ़ा हुआ अरे करे ना कोई मंत्री जी मेरी बात सुनो। देखो रानी साहिबा, देखो मैं इस समय आकर केवल आपके हुक्म का पालन किया। मंत्री जी और मदद की जरूरत पड़ी है तुम्हारी, मदद की जरूरत पड़ी है तुम्हारी, मंत्री जी मदद की जरूरत पड़ी है तुम्हारी, बिगड़ती चली जाती हालत हमारी। अरे हो रानी साहिबा, अरे हो राज रानी, रानी ये बातें सुनाती
जसवंत सिंह का वफादार मंत्री हूं। मैं हूं राजा का वफादार मंत्री, सुनाओ न मुझको ऐसी ऐसी कहानी। सुना वो ऐसी वैसी ये मुझे को कहानी। महाराज यशवंत सिंह का वफादारी, अगर महाराज का जहां पसीना गिरेगा ये मंत्री दुर्जन सिंह खून बहा देगा, लेकिन तेरे नाम को पालेगा नहीं। और समझदारी हो कर करो ना नदानी, समझदारी हो क्या है? कब? लंबरदार? गंगा कसम लंबरदार का आपका का हमका कौनों में? अरे दरबारी, महाराज यशवंत सिंह पूरे जूनागढ़ में मंत्री दुर्जन सिंह के गुणगान गाते हैं, गुणगान गाते हैं कि दरबार में एक वफादार है जो हमारी प्रजा की रक्षा कर सकता है। अगर आज मैं महाराज के सपनों में उल्लंघन करता हूं तो मुझसे बड़ा दगाबाज कोई नहीं होगा। लंबरदार, गंगा का सम अगर हमका कौनो मेहरिया खाली तय सनकार दिया था तब तक का दो चार बिस्वा हम ख्यात गोंजी डाय हुई। लंबरदार, शरीर सब गोबर गैस है का भरी, हमका लागत लंबरदार आपके खंभा में करंट नहीं ना। अरे दरबारी, केला का पानी पिए हो कि वो समय बताएगा, समय बताएगा। तो कहे जे चट गुरिया पट माला डारी गुरिया निकाल ले मार। चल पीछे इधर आ रानी साहिबा, आप पे हक ना हक परेशान मत हो, क्योंकि ये दुर्जन सिंह वफादारी का नमक खा चुका है, वफादारी के साथ गद्दारी नहीं करेगा। महाराज के साथ मैं गद्दारी नहीं करूंगा, उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं सुनूंगा, इसलिए आप मुझ पर रहम खाकर मुझे छोड़ दीजिए। आप इस चूनागढ़ में एक से एक सुंदर नौजवान है, अगर आप कहें तो ये दुर्जन सिंह आपका ये काम सदैव करता रहेगा। मंत्री जी, आप महाराज के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे? क्यों नहीं? लेकिन महारानी का भी तो कोई वसूल है। महारानी का वसूल ये है कि पंजे में आई शिकार को कभी जाने नहीं देती, जब तक उसे मसल कर नहीं ले लेती खा लेती तब तक
उस शिकार को छोड़ने वाली नहीं है। अभी तक तुमने मेरा प्यार देखा है, कसम हमारी जवानी की, अगर ये 16 बन गई ना, 16 बन गई तो कयामत आ जाएगी। अभी कयामत आ जाएगी, सोच लो समझ लो, क्योंकि राजा मैं तुम्हारे प्यार में परेशान। अरे रानी साहिबा, अभी तुम आए कुछ ही दिनों से यहां आई हो, और इस दुर्जन सिंह को 25 साल हो गया। एक इस चूनागढ़ के सारे चक्रव्यूह को तोड़ना, उसमें से निकलना दुर्जन सिंह के बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि मैं महाराज के सपनों पर गंदा पानी नहीं फेरना चाहता। मंत्री जी, तो तुम उस चक्रव्यूह से निकल जाओगे, लेकिन वो चक्रव्यूह नहीं है। तुमने कभी सुना होगा, सुना नहीं होगा तो देखा होगा, अगर देखा नहीं तो आज देख भी लोगे, क्योंकि उस चक्रव्यूह से बढ़कर त्रिया जाल है। उस त्रिया जाल में ऐसा तुम्हें आज फंसाऊंगी कि तुम भाग नहीं पाओगे। सुनो मेरी बात, ए राजा मान जाओ ना। ए अरे उड़ा ला मौजी राजा, अरे उड़ा ला मौजी राजा, ओ हमारे चाहे बात जवानी, परेशान होती है। ये मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली की राजधानी। नहीं, जवानी क्या जवानी है, जैसे गंगा नहर का पानी है। नमौनो भुलाए गए लोहे के चक्कर में। ए राजा, ये मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली की राजधानी है। थोड़ा आकर देखो राजा, इस मेरे समंदर में कितना पानी है। मंत्री जी, ये बताइए कि मेरे प्यार से इनकार है या इकरार है? इनकार है। रानी साहिबा, समझ लो कि मैं वो नागल हूं, दस्ती हूं लेकिन लहर नहीं देती। एक बात कहूं रानी साहिबा, तो अपना परेशान होती है क्यों,
पर हो, काम हासिल न होगा ये रिश्तम परे, क्योंकि मैं शाही कुर्सी वफादार। चोट कर भी तुम्हारा ये सपन काम आए नहीं, क्योंकि जन्नत की ओर हो ये तुम भी परी। प्यार कर सकता मैं तुमसे अभी, क्योंकि ना हक परेशान होता है। राज भैया राजी हैं, लंबरदार हुजूर आप सामने आए। देखिए आगे माननीय राज भाई साहब सामने बैठे हुए हैं, जो काम पूरे बंसी के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 10 रुपए की इनाम दे रहे हैं। किस लिए? 10 रुपए की इनाम दे रहे हैं, और उनको कहना है लंबरदार। क्या कहना है बोल जल्दी। प्यार करना है तो प्यार चपक के करो, अगर आपसे ना हो सके खुदे चले आई तो आवे ना, बुला ना उसको। काय शरीर में गोबर गैस भरी है साले। कभी अगर समाज में बैठा होता, समाज में बैठा होता, लोगों के सम्मान को कद्र किया होता, तो आज तेरे मुख से ये जबान नहीं निकलती। लंबरदार आपके खंभा में करंटे नहीं ना, चल पीछे हट। तो कब से समझा रही और पर तो माने नहीं, कब से खाऊ मजा मार हंटर से चमड़ी और उड़ा दो तेरी और बस जुबानी का तुझको। तो मार दो, मार दो मुझको, मैं मर जाऊंगा, बात तेरी कमीनी मैं मानू नहीं। मां मेरा है दुर्जन ये जाना नहीं, राज सारा किस्सा। ये बता मेरा प्यार तुम्हें स्वीकार है या इनकार? खिचुहे के औलाद मेरा प्यार तुझे इनकार है या इकरार है, बोल जल्दी बोल। मरवा लियो, बोल। तूने महारानी सतवंती को नहीं जाना, अरे इसके 7 लक्षण हैं, तभी महारानी सतवंती नाम है। मेरा प्यार तुझे स्वीकार है या नहीं स्वीकार? करो करो नहीं पहले चाहिए। इनकार है। बालिकार है इकरार, नहीं तेरा गला दबाकर मार दूंगी मैं।
जी, एक तरीका है, अगर हंटरवा से न माने तो लंबरदार आप आदेश दे दियो, हम पहुंचते हैं ऐसे से ऐसे भी ऐसे। रानी साहिबा, क्या बात है? तो बस करो, बस करो, बस करो रानी जी, आपकी शर्त मुझको ये मंजूर है। आ लगा लूं गले, आ लगा लूं गले, आपका दिल तुम पर कर्पूर है। अरे आ लगा लूं गले, आ लगा लूं गले, मेरा दिल आज तुम पर ये भरपूर है। सच मंत्री जी, सच कहते हो? रानी साहिबा, आज ये दुर्जन सिंह तुम्हारे दिल की बात को समझ गया, समझ गया, क्योंकि तुम जन्मों जन्मों तक अपनी इस बात पर खरी उतरोगी। पूछो नहीं कि किस बात पर, किस बात पर, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मंत्री दुर्जन सिंह के दिल में तुम्हारे लिए सदैव जगह थी। क्या? क्योंकि आज नहीं, जिस दिन महाराज यशवंत सिंह ने तुम्हें ब्याह कर लाए और दरवाजे पर पीने से तुम्हारा पल्लू हटा, तुम्हारी सूरत, ये दुर्जन सिंह की नजर तेरी सूरत पे पड़ी थी, उसी दिन से दुर्जन सिंह तेरी सूरत का दीवाना था। लेकिन दीवाना था महाराज यशवंत सिंह के एहसानों तले उस प्यार को दबाए रखा। इसलिए दबाए रखा कि तुम्हारे इस प्यार में कितनी ताकत है। अगर मैं प्यार का इजहार तुमसे कर देता तो तुम तुच्छ नौकर कहकर इस दरबार से रुखसत किया करती थी, भगा दिया होता इस दरबार में तो वक्त की रोटी के लायक नहीं छोड़ती है। लेकिन आज ये दुर्जन सिंह शाही मंत्री दुर्जन सिंह की तरह खड़ा है, क्योंकि प्यार का इजहार तूने किया है। आओ हम साथ मिलकर आगे की जिंदगी को अच्छे ढंग से बिताएं। मुझे भी सीरियस लगा लो। इरादे छेड़ी छानी मंत्री जी, अरे मेरा बूढ़ा बलब बस करे छेड़ी छानी, मैं तुमको अपनी पद की बात बता रही हूँ। अरे मेरा बूढ़ा बलब बस करे छेड़ी छानी, अरे मेरी जलती जवानी मांगे पानी पानी, ओ मेरी जलती जवानी मांगे पानी। ये तो रहा मेरे बुढ़े खुसक पथ की बात, देखो तो हट्टा कट्टा लेकिन शरीर में दम ही नहीं, इसका नाश हो जाए जब पानी लेना, ये तो अब मैं मंत्री जी से लूं। ए राजा, मुझे बहुत प्यास लगी है प्यार का जाम। ए राजा, साथ तुम्हें छोड़ोगे ना, और तेरे नाम ला 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 ला, और तेरे नाम हमने किया है और जीवन
अपना सावसर क्यों हरामजादी, तो ये है तेरे काले? क्यों मेरी कोई गलती नहीं है राजन, राजन तो लेट गई ना और कहीं गिर रही, लेट गई ना कहीं गिर रही और धोखा दिला मुझे।